नमस्कार। कक्षा 12 के सिलेबस में डे 199 में एटॉमिक फिजिक्स हम कर रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इसमें बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल से पहले हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ लिया था। रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल है उसी में कुछ बातें और ऐड कर दी थी बोर ने, जिसको नाम दे दिया बोर मॉडल। बोर मॉडल का मतलब है इससे संबंधित विशेषताएं, इनके द्वारा दी गई विशेषताएं जो परमाणु से संबंधित है। तो सबसे पहली बात तो वही है जो बोर मॉडल में है, जो सॉरी रदरफोर्ड मॉडल में है, क्या है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके मध्य भाग में, उसके केंद्र में स्थित रहता है, जिसे नाम दिया गया नाभिक। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तीसरी जो बात है, जो बोर की सबसे मुख्य अवधारणा जिसे कहते हैं बोर का द्वितीय विग्रहित भी कह देते हैं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर क्या थी कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है, इस भाग को नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। ये तो वही बात है जो रदरफोर्ड मॉडल से है। दूसरी जो विशेषता है वो इसकी महत्वपूर्ण है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, एक नंबर में, अलग से भी बोर मॉडल पूछ लिया जाए वो तो अलग बात है, केवल इस बात को अलग से और पूछ लिया जाता है। इसमें क्या बताया, इसमें कोणीय संवेग के बारे में बताया गया कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हम पता है वहां कैसी गति है, कोणीय गति है, तो वहां उस समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा, कोणीय संवेग MVR, कोणीय संवेग 11th में पढ़ते हैं 7th चैप्टर में, कोणीय संवेग L=MVR। तो MVR की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, H/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होगी। H/2π कांस्टेंट नंबर है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इसके पूर्ण गुणज के, यानी NH/2π के बराबर होगी। तो दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता है कि वृत्ताकार कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग, L से भी लिख देते हैं इसको, J से भी लिख देते हैं, का मान H/2π का पूर्ण गुणज होता है। इसका जो मान है वो क्या लिख सकते हैं, L=NH/2π और L को क्या लिखते हैं, L की वैल्यू होती है कोणीय संवेग MVR, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं MVR=NH/2π। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो पूरा का पूरा इसी से सोल्व होगा, यानी जब हम त्रिज्या सोल्व करेंगे, वेग सोल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, कक्षीय वेग, कक्षीय त्रिज्या, तो उसमें ये बात सबसे इम्पोर्टेंट रोल रखेगी, इसी से सारी कैलकुलेशन सोल्व होगी, तब हम लिखेंगे बोर के द्वितीय अभिग्रहित से। नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया है तो ये लिख देते हैं कि बोर का द्वितीय अभिग्रहित लिखिए, अभिग्रहित मतलब विशेषता, द्वितीय अभिग्रहित। दूसरी बात क्या थी, तो अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि ये संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में होता है, उसको नाभिक कहते हैं, इसको पहला नंबर दे दिया, और नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसको दूसरा दे दिया, इसको तीसरे नंबर में दे दिया, तीसरे नंबर में दे दिया, इसका मतलब ये नहीं ये तीसरा अभिग्रहित हो गया, इसको द्वितीय अभिग्रहित ही कहते हैं, चाहे हम इसको लास्ट में लिख लें, ये बात आप ध्यान रखें।
ये नहीं है कि हमने रजिस्टर में नोट्स में या कॉपी में कैसे भी जहाँ भी लिखा है बुक्स में देखा है तो उसको जितने नंबर पे है वो उतना, ऐसा नहीं है ये, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे ध्यान रखिए, इसे कहते हैं द्वितीय अभिग्रहित, यही है द्वितीय अभिग्रहित। चाहे इसको हम दसवें नंबर पर लिख दें, पांचवें नंबर पर लिख दें, कहीं लिख दें, द्वितीय अभिग्रहित कहते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट, तो ये एग्जाम में ये बात पूछी जाती है द्वितीय अभिग्रहित। तो द्वितीय अभिग्रहित का मतलब ये विशेषता आपको लिखनी है। इसी विशेषता से हम आगे के टॉपिक सोल्व करेंगे लगभग। अब यहाँ एन का जो मान है वो एक से शुरू होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एन का मतलब जीरो ले तो इसका मतलब जीरो कक्षा होगी। जीरो कक्षा मतलब यानी कोई कक्षा नहीं है, तो कक्षा कहाँ से, या तो पहली कक्षा होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, ठीक है, ऑर्बिट है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो एन की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वन से। अब सिंपल सा क्वेश्चन इसमें से आया हुआ कई बार कि दूसरी कक्षा के लिए कोणीय संवेग का मान कितना होगा, लिख देता हूं मैं, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा, कोई जरूरी नहीं हाइड्रोजन लिख दे, किसी भी परमाणु की कहते हैं, किसी परमाणु की द्वितीय कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा कितना होगा। द्वितीय कक्षा में एन का मान कितना हो गया, दो। अब अपने को पता होना चाहिए कि एल बराबर क्या होता है, एन एच अपॉन टू पाई। एन का मान रखेंगे दो, तो दो एच बटे दो पाई, ये कैंसिल आउट हो गया, एल बराबर क्या आ गया, एच अपॉन पाई। ये क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह। अब क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन अपने को क्या पता होना चाहिए, अपने को ये दूसरी बात इसकी पता होनी चाहिए क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछ लिए जाते हैं अलग से, एक नंबर में ये डेफिनेशन भी पूछ लिया जाती है अलग से, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये बोर मॉडल का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो हमने दो नंबर पर लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। एक बात हो गई थी इसके अंदर तीसरी बात बोर मॉडल की, कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर का मतलब है उसकी ऊर्जा कम है इसलिए वो वहां है, वो उसका एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल जितनी एनर्जी है उतना ही वो वहां रह सकते हैं। अब अगर उसको उससे ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए उसको वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी। तो अब वहां से ऊपर पहुंचने के लिए उसको एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, एनर्जी लेनी पड़ेगी कहीं से। तो जब एनर्जी लेता है कहीं से इलेक्ट्रॉन परमाणु, तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से किस में चला जाता है, लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर में वो अस्थाई उसकी जगह है, स्थाई स्टेबिलिटी नहीं है उसकी, सही जगह वही है जो नीचे की है, इसलिए वहां वो बहुत ही अल्प समय तक 10^-8 सेकंड तक रह सकता है, ठीक है, ये उसका जीवन काल होता है वहां का। इसके बाद क्या करता है, वो वापिस जितनी एनर्जी ली थी अब वापिस आना वही है, लेकिन वहां एनर्जी के अकॉर्डिंग ही रह सकता है, जितनी एनर्जी लेवल है उसके अनुसार एनर्जी रहेगी तभी वहां रह सकता है, ज्यादा है तो भी ज्यादा वाले में होगा। तो जितनी एनर्जी उसने ली थी उतनी एनर्जी वापस क्या कर देता है, त्याग कर देता है, त्याग कर देता है, किसके रूप में, फोटोन के रूप में त्याग कर देता है, किसके रूप में, विकिरणों के रूप में त्याग कर देता है, विकिरणों के रूप में, जिससे स्पेक्ट्रम बनते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब है जो विकिरणें उत्सर्जित होती है, जो तरंगें उत्सर्जित होती हैं उनके स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, उनकी रेखाएं प्राप्त होती हैं, उनको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जितनी ऊर्जा उसने ग्रहण की थी उतनी ऊर्जा वो क्या कर देते हैं, त्याग करके वापस मूल ऊर्जा स्तर में आ जाता है, ठीक है। अब जिन तरंगों को उत्सर्जित किया गया है उनकी जो ऊर्जा है वो किसके बराबर होगी, उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, तो ऊर्जा आ जाएगा ऊर्जा अंतराल, वहां से हम उसकी क्या ज्ञात कर सकते हैं, आवर्ती, क्योंकि ये बराबर एच ही होगा, आवर्ती ज्ञात कर सकते हैं, वहां से क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसकी तरंग दे रहे हैं। तो ये जो बात अब हम लिख रहे हैं ये बात काम आएगी सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। दोबारा फिर हम बात कर लेते हैं, अपने पास कंडीशन क्या है कि कोई परमाणु यहाँ है, मान लेते हैं यहाँ है, ये है निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न कुछ भी हो सकता है, पहली ऊर्जा स्तर भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, निम्न ऊर्जा स्तर जिसकी ऊर्जा कम है, मूल ऊर्जा स्तर भी कह देते हैं, मूल ऊर्जा स्तर होता है सबसे पहला, ठीक है, निम्न ऊर्जा स्तर कोई भी हो सकता है, तीसरे के लिए दूसरा निम्न ऊर्जा स्तर है, पांचवें के लिए चौथा निम्न ऊर्जा स्तर है, पांचवें के लिए तीसरा, ठीक है, जो छोटा है वो निम्न ऊर्जा स्तर। यहां से परमाणु जब
ऊपर पहुंचेगा इस ऊर्जा स्तर पे, ये है उच्च ऊर्जा स्तर, तो इसकी ऊर्जा भी ज्यादा होगी, इसकी ऊर्जा भी क्या होगी ज्यादा होगी, जिसको कह देते हैं E2, इसकी ऊर्जा कह देते हैं E1। अभी यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, कितने समय तक रह सकता है 10^-8 सेकंड, फिर वापस क्या करता है एनर्जी एमिट करता है, एनर्जी उत्सर्जित करता है और वापस मूल ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो यहां से क्या करता है, ये उत्सर्जित करता है जिसका मान किसके बराबर होता है, एच न्यू के बराबर होता है। अब एच न्यू का मान ऊर्जा के रूप में निकालें तो किस कैसे आएगा, जितनी ऊर्जा उसने ली थी उतनी तो वापिस करेगा, वापिस करेगा तो ज्यादा में से कम घटा दे, ई टू है ये, ई वन घटा दे तो इसके अंतर के बराबर ही तो ऊर्जा ली थी, वो उसने वापिस एमिट कर दी। तो यहां से एच न्यू का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, ई टू माइनस ई वन। ये बात आप ध्यान रखें, न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, एक इक्वेशन सारे न्यूमेरिकल सोल्व करवा देंगे, सारे सारे E1। तो हम आगे सोल्व करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल होंगे न्यूमेरिकल, लेकिन हमें ये बस केवल ये बात पता होनी चाहिए कि ये कहां से आई। तो इसमें लिखेंगे तो भी कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूँ, वैसे आप लिख लेना, परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से ऊर्जा ग्रहण करके, किसी भी माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचता है, जहां वो अधिक समय तक नहीं रह सकता, पुनः जो ऊर्जा ग्रहण की गई थी या दोनों ऊर्जा अंतराल ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर ऊर्जा, दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और वापिस मूल ऊर्जा स्तर में आते हैं। यह ऊर्जा E2-E1 बराबर एच न्यू ऊर्जा का प्रोटॉन या तरंगे उत्सर्जित होती है, इससे स्पेक्ट्रम बनते हैं। हम आगे आगे स्पेक्ट्रम के बारे में लिखेंगे तो वो भी ये बात दोबारा फिर लिख देंगे, चाहे तो यहीं से लिख लें, इसे स्पेक्ट्रम इसे बनते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम जो बनते हैं वो इसी से बनते हैं। तो एक बात तो ये आ गई, ठीक है, तो आपको ऐसे में क्या किया जाएगा, ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, तो ये कहा जाएगा पहले ऊर्जा स्तर से तीसरे में जाते हैं, हम इनके लिए कैलकुलेशन करके बाद में डेराइव करेंगे कि इनका फॉर्मूला क्या होता है, उसमें जब n बराबर 1 रखेंगे तो पहले की ऊर्जा आ जाएगी, 3 रखेंगे तो तीसरे की ऊर्जा आ जाएगी, तो वो भी हम ही निकाल लेंगे बाद में, ठीक है, हमें निकालनी पड़ेगी, क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी। अब यहां से अगर हम आवर्ती निकालें तो आवर्ती क्या हो जाएगी, उत्सर्जित तरंग की आवर्ती, उत्सर्जित तरंग की आवर्ती, म्यू बराबर क्या आएगी, E2-E1/H। अगर आप वो कह दे तरंग दे रहे याद करो, तो देखो एक ही है, इसी से आ गया ना, इसी से वही तो समीकरण है, इसी से हमने क्या किया, H मार्ग में चला गया। दूसरी बात, तरंग दे रहे पूछ लेते हैं तो तरंग दे रहे कैसे निकाले, तरंग दे रहे निकालने के लिए म्यू बराबर क्या होते हैं, C/λ, तो यहाँ रख दें C/λ = E2-E1/H। अगर ये नहीं भी याद रहता है बाई चांस तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर लो। अब लैम्डा निकाल लें, तो लैम्डा को क्या करो, इधर ले आओ और इनको इधर ले जाओ, लैम्डा इधर आएगा और एच इधर आएगा, बाद में ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, HC/E2-E1, ठीक है। यहां से भी निकाल सकते हो आप डायरेक्ट, न्यू की जगह क्या रखेंगे, C/λ रखें, तो लैम्डा इधर चला जाएगा, E2-E1 इधर आ जाएगा, हो गया ना, HC/E2-E1 बराबर लैम्डा। तो इस तरह से इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात की जा सकती है। तो ये इसकी ये है बोर मॉडल की मुख्य विशेषताएं। अगर ये पूछ लिया जाए बोर मॉडल लिखिए तो आप ये 2-3 बिंदु लिख लें, अगर पूछ लिया बोर मॉडल की कोई मुख्य विशेषता बताइए, मुख्य अभिग्रह बताइए, तो जब मुख्य बात आ जाए, द्वितीय अभिग्रह की बात आ जाए या कोई विशेष बात पूछी जाए तो आपको ये बात ही करनी है बस। अगर एक बात पूछी गई है बोर मॉडल में तो फिर आपको केवल यही बात पूछी गई है, डायरेक्ट पूछी जाए चाहे इनडायरेक्ट पूछी जाए, ठीक है, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में।